मॉक एनालिसिस कैसे आप करते थे? जैसे मॉक दिया तो क्या होता है, मैं उसमें देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन कितने सेकंड में हुआ। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अनअटेम्प्टेड होते हैं, जिनको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, एक तो वो हाईलाइट होते हैं, एक जो रॉन्ग होते हैं, और एक जिनमें मैंने टाइम ज़्यादा लिया। मैं ये जो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं मॉक में, इनको इन पर फोकस करता था। जो अनअटेम्प्टेड हैं उनमें देखता था कि क्या मतलब कुछ क्या कंसेप्ट नया है, या फिर कुछ ऐसा जो मुझे टाइम पे याद नहीं आया उस टाइम पर आना चाहिए था, या फिर या कई बार होता है वो इरेलीवेंट होता है। जैसे कई मॉक्स में बिल्कुल इरेलीवेंट होता, तो जो इरेलीवेंट होता है उसके ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता था। मुझे पता था कि ये अगर आएगा तो भी फिर भी ये कई मिनट खाएगा, तो इसको करना इतना वर्थ नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देता था। जो गलत होता था मैं उसमें, जैसे मैंने, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मेरी सिली मिस्टेक होती हैं, तो मेरी भी बहुत होती थी जब मैंने स्टार्टिंग के मॉक्स दिए। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता रहा तो मुझे अपने आप याद आ जाता था कि इसमें तो मैं ये मिस्टेक करता हूँ। जैसे टाइम एंड वर्क वाले में क्या होता है, लास्ट में घुमा कर पूछ लेते हैं कि ए 50% वर्क कितने दिन में करेगा। हम सिर्फ क्या देखते, ए देखा, ए के डेज पूछे और आंसर लगा दिया, या फिर जैसे रेशियो वगैरह में रेशियो उल्टी कर दी, या फिर कुछ इस टाइप के। तो मेरी जैसे सिली मिस्टेक पहले वो कई कई होती थी, लेकिन वो फिर ऐसा हो गया था कि एक या दो, दो से ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन वो मेरी तब हुई जब मैंने 60-70-80 मॉक्स कर चुका था, और जैसे जैसे होता गया वो और अच्छी होती रही। तो सिली मिस्टेक तो सिर्फ इसी से ठीक हो सकती हैं, जैसे आप मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे ना, और उसके बाद आप देखो कि जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो क्या हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो रिपीटेड होती हैं। आपकी एक टेंडेंसी होती है, या तो आप जो लास्ट वाली लाइन है जिसमें ये बता रखा है कि ये पूछा उसने क्या निकालना है, क्या निकालना है, हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते। हम सिर्फ ए देख लिया, या फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूछा है, तो वो मतलब कॉमन मिस्टेक्स होती है जो बार बार होती है। अगर आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बिल्कुल पता चल जाएंगे कि मेरी ये मिस्टेक बार बार हो रही है। तो मेरे को भी ऐसा पता चल गया था। पहले तो जैसे मैं नोट कर लेता था कि कोई मिस्टेक अगर बार बार हो रही है, तो कोई चैप्टर है तो मैं लिख लेता था। फिर जैसे कुछ चैप्टर्स थे जिसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता था, जैसे शुरू में टाइम एंड डिस्टेंस था, उसमें मेरे को थोड़ी सी मतलब वो पिक्चर थोड़ी सी कम क्लियर थी, उसमें थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन कर देते थे। तो कर तो मैं देता था लेकिन माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो मैंने उसको छोटा झुकर दो बार, तीन बार किया। उसके बाद मुझे उसके स्पेशली, उसके भी प्रीवियस ईयर्स लगाए मैंने स्पेशली चैप्टर वाइज, तो उसके बाद मुझे वो चैप्टर भी क्लियर हो गया। अच्छा, मॉक देने के बाद कोई नोट्स वगैरह बना देते हैं आपकी, क्या लर्निंग रही उस मॉक की? हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया नया, और वो क्वेश्चन मतलब इरेलीवेंट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको पता चल जाता कि इरेलीवेंट नहीं है, सिर्फ अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं उसको नोट करता था अपने नोट्स में जो उस चैप्टर का होता। जैसे मैं नोट्स बनाता था तो जो चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद मैं 10-12 पेज छोड़ देता था ऐसे ही, तो उसमें उसको नोट कर लेता। या फिर जैसे मॉक में मेरे को कोई अच्छा सॉल्यूशन मिला जो मेरे मेथड से अलग है, तो मैं उसको भी नोट कर लेता था, उसको सीखता था, और फिर उसकी बजाय उससे करता था। तो मैं जो भी होता था, जो सिली मिस्टेक मेरी बार बार होती थी, उसको एक पेज पे लिख लिया मैंने, लेकिन वो स्टार्टिंग में थी, बाद में तो इतना मतलब करने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन मैं लिखता था, कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा मेथड आ गया, उसको लिखता था, क्योंकि थोड़े दिन में भूल जाओगे आप। बिल्कुल। और अगर कोई प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको ऐसे छोड़ता नहीं था कि ये तो आएगा ही नहीं, मैं उसको प्रिपेयर करता था कि कभी भी आ सकता है और मुझे एग्जाम में करना है, ये छोड़ना नहीं है। क्योंकि मेरा ये नहीं था कि 190 आ जाएंगे, मेरा ये था कि मैंने करने हैं क्वेश्चन। मैं मॉक एनालिसिस भी ऐसे ही करता था कि मैं ये देखता था कि जो मुझे आता था वो मेरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो मेरा मॉक में स्कोर कम है, लेकिन जो मुझे आता था वो मैंने सारा अटेम्प्ट कर दिया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि ये मैं कर सकता था, तो मेरा मॉक, मैं मानता था कि मेरा अच्छा गया है।